अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हम लोगों ने पेज नंबर 69 की एक्सरसाइज 2 सी करनी है। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में ए वाला देखें। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें या ज़ीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। अब नेक्स्ट आपके पास देखें 2 × 3 = -2 = 6, मतलब इक्वल यहाँ पर भी आपके पास इक्वल का साइन है और इधर भी इक्वल का मतलब होता है कि इनके आंसर्स इक्वल आने चाहिए। पहले आपको 2 × 3 दिया हुआ है, अब आपने यहाँ पे 2 × 3, अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों में से जो नंबर मिसिंग है, 2 गिवन है आपके पास, 3 मिसिंग है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वही आंसर लिख देना है 6। अब देखें तो इधर भी इक्वल था, इधर भी इक्वल था, अब आप तीनों को देख लें, तीनों का आंसर आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है। 2 × 3 वो भी 6 के इक्वल होता है, 3 × 2 वो भी 6 के इक्वल होता है और यहाँ भी आपका 6 आ रहा है। सी वाला आप मल्टीप्लाई आपको करना आता है, आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है उसको। और अब आगे आपका डी वाला, आपने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 40 आए, तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपने ये वाला नंबर और ये वाला इन दोनों को डिवाइड करके देख लें, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है 40 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड कर लें, तो 4 × 10 = 40 होता है, तो जो आपका ऊपर डिवीजन में आता है ऊपर वाला जो आंसर होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह आपके पास ई वाला है कि आपके पास -(15), आपके पास ऐसा नंबर आपने यहाँ पे लिखना है कि जब आप उसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है उसको पूरा ज़ीरो करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप ज़ीरो को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका आंसर ज़ीरो ही होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास ट्रू फॉल्स में आपके पास ए वाला है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द नंबर इट सेल्फ शिफ्ट्स 1 column टू द लेफ्ट। वो कह रहे हैं जब आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं ना, तो वंस से उसको पहले मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए हम लोग पहले वंस से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस के बाद हम टेंस पे जाते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि मतलब 1 column को मतलब वंस से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग किस पे शिफ्ट होते हैं, 7 वाले टेंस पे, तो मतलब राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरह बी वाला भी आपके पास वैसे ही है, बी वाले में आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको मैं बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे अगर तो आंसर आ रहा है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी इसी तरह ही आप लोगों ने ये ट्रू फॉल्स करना है। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें ये देखें आपके पास ए वाला है 8 × 3 × 0 = इसको आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है, जो आंसर आएगा आपने टिक कर देना है। बी वाला भी आपका मल्टीप्लाई का वो भी इसी तरह करना है और सी वाला भी मल्टीप्लाई का वो भी आपने इसी तरह करना है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 70 पे देखें डी आपके पास, डी वाले में 10 × -(-8700, मतलब मैंने आपको क्या बताया था जब आपके पास यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग हो तो आप इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड करके देख लिया करें। अब आपने 8700 अंदर रखना है और 10 से डिवाइड कर लेना है, तो जो डिवाइड करके ऊपर वाला जो आपका आंसर आएगा उस पर आप टिक कर देंगे। इसी तरह वैसे ही है ये मल्टीप्लाई वाला। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई दीज नंबर्स प्लेसिंग देम इन 3 डिफरेंट ऑर्डर्स, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इन ईच केस। प्रोडक्ट जहाँ पे आ जाए वो भी मल्टीप्लाई का ही होता है, उधर भी आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दे दिए, इनको आपने 3 ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अब मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह करना। पहला है आपके पास देखिए 4, 5, 6, 3 नंबर्स ही आपको दिए हुए हैं, इनको आपने डिफरेंट ऑर्डर से करना है। डिफरेंट ऑर्डर से करने का मकसद मतलब आप जब उनको 3 ऑर्डर से करेंगे ना, अलग अलग नंबर्स से करके करेंगे, उन्हीं को ही मतलब उनके अरेंजिंग को चेंज करके जब आप 3 ऑर्डर से करेंगे आपका आंसर सेम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास 4, 5, 6 है, आपने इनको सॉल्व करने के लिए आपका पहला मेथड ये है कि आपने मिड वाले नंबर से स्टार्ट करना। पहले आप लिख देंगे 5 मिड वाले नंबर से, 5 के बाद आपके पास आ जाएगा 6 और 6 के बाद हमारा आ जाएगा 4। पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से, 5 मिड में जो नंबर होगा वो नंबर आप पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके साथ वाला और फिर उसके बाद 4। फिर आपने 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 6 = 30 और ये 4 एज इट इज़ आ गया, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120, ये ऑर्डर 1 हो गया, ठीक। अब हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर से करना है, सेकंड ऑर्डर से करने के लिए आपके पास ये जो हमने इसको किया था ना, इसका मिड वाला लेना है। अब आपने इसका मिड वाला लेना है,
इसका मिड वाला आप देखें, अब लेंगे तो आपके पास, पहले हमने ऊपर से 5 लिया था, अब हमने ये जो इसको अरेंज किया था ना, मतलब 5 को लेके 5, 6, 4 किया था, अब इसका मिड वाला हम ले लेते हैं। अब हमने 6 को देखना है, देखिए 6 आ गया, फिर 6 के बाद 7 वाला 4, और फिर उसके बाद ये 5, फिर इसको 6 4s are 24 और 5 ऐसे का वैसे ही, तो आपका आंसर 120 आ गया। अब लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने सेकेंड ऑर्डर देखे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर ये दोनों डिफरेंट नंबर से हम लोगों ने रीअरेंज करके मतलब आपस में मल्टीप्लाई किया और देखे दोनों के आंसर सेम आ गया। अब इसी तरह लास्ट वाला जो आपने लेना है, लास्ट वाले में देखें आपके पास है, आपने लेना है ये जो आपके पास 6 × 4 × 5 है ना, इसमें आपने पहले 5 लेना है, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6, इस तरह आपने आना है। तो देखिए पहले 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6, इनको मल्टीप्लाई करने, देखे तीनों ऑर्डर्स को हमने डिफरेंट ऑर्डर से किया और तीनों का आंसर हमारे पास सेम आया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सारा आपका इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, राइट द प्रोडक्ट इन योर नोटबुक। प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इनको आपने इस फॉर्म में, ये 7 × 10, उसका डायरेक्ट आगे आंसर नहीं लिखना, उसको सॉल्व करके लिखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, इस तरह देखिए ऊपर पहले जो नंबर होगा उसको ऊपर लिखेंगे और सेकंड नीचे आ जाएगा। देखिए 7 है पहले और नीचे 10, 0 7 0 और 1 7 7। इसी तरह ये आपने सारे ए से लेके ओ तक मल्टीप्लाई करना है। और जो 6 वाला है, 6 वाले में मैंने देखे आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 96 × –-960। 96 को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 960 आ जाए। अब आपको नींद समझ आ रही कि आपने किससे करना है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया मेथड कि आपने इस वाले नंबर को, अगर इसमें से और इसमें से, इनमें से कोई नंबर मिसिंग होता है तो आपने इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को जो भी गिवन होगा उनको डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे देखें आपका सेकंड वाला नंबर मिसिंग है, तो आपने 960 आप अंदर रखेंगे और 96 से आप डिवाइड करेंगे। देखें मैंने मल्टीप्लाई किया, 96 1s are 96 और 0 का 0 नीचे आ जाएगा, तो 96 0s are 0। तो ये 96 10s are हुआ 960, तो ये जो ऊपर वाला आंसर 10 था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब ये सारे आपने इसी तरह, जिनका ये फर्स्ट बॉक्स या सेकंड बॉक्स में से कुछ मिसिंग होंगे तो आपने उन सब में डिवाइड करना है। लेकिन ये के वाला देखें, के वाले में 27 × 10 है, इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके फिर उसका यहाँ पे आंसर लिखना है। इसी तरह ये आपके सारे होंगे एल तक।